बल्लार, लोकल में बल्लार शाह। भारत के महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले की गोद में बसा एक छोटा शहर और एक नगरपालिका परिषद है। ये जिले का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शहर को छोटा कहना शायद गलत होगा, क्योंकि कोल इंडिया के सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL के पास बल्लारपुर के आसपास कई कोयला माइंस हैं। बल्लारपुर शहर बघितल्या गेलं तर एक वास्तविकता एक ऊर्जात्मक आणि सांस्कृतिकचं शहर आहे। विभिन्न प्रकारच्या समूहातील एक वसलेलं एक बल्लारपूर औद्योगिक शहर हे आहे। सपनों को लेकर चलने वाले ये शहर की खासियत है यहाँ के त्योहारों में। आइए दिखाते हैं आपको बल्लारपुर का गणेश उत्सव। गणपति सूर निरागस गणेश चतुर्थी के इस 11 दिनों में हर एक के मुंह से यही सुनने को मिलता है, बप्पा यानी पिता। प्यार से लोग भगवान गणेश को इसी नाम से पुकारते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणपति बप्पा खऱ्या अर्थाने बघितलं तर ज्या ज्या ठिकाणी हे मनजाय माझे त्या त्या ठिकाणी हे निजरूप तुझे, या प्रकारे जिथं जिथं आम्ही जातो त्या त्या ठिकाणी बाप्पाचं नेहमी दर्शन होत असतं। प्रत्येक माणसात, प्रत्येक कार्यात, प्रत्येक वेळे हे बाप्पा आम्हाला आशीर्वाद देतच असतात आणि प्रत्येक वेळी सर्वांना चांगली बुद्धी देऊ म्हणून प्रत्येक लोकांना चांगलं कार्य करण्याची ऊर्जा देत असतात। इस कोरोना के महामारी में सारे कामों और त्योहारों को मानो रोक सा दिया हो, पर अपने बप्पा की पूजा कैसे रोक सकते। बल्लारपुर के बस स्टॉप के पीछे एक काफी प्रचलित 11 साल पुराना मंडल मिलेगा। इस साल यहाँ मुंबई के श्री सिद्धिविनायक के रूप की प्रतिमा विराजमान होने वाली है। आइए मिलाते हैं श्री बाल गणेश मंडल के बप्पा से। और इस मंडल के प्रतिमा की जिम्मेदारी टिकी है शशि आंबेकर के कंधों पे। शशि पिछले 8 सालों से मूर्ति बना रहे हैं और इस मंडल के लिए 6 सालों से प्रतिमा का काम कर रहे हैं। माझ्या कामामध्ये सर्वात आधी आहे कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन, म्हणजे कस्टमरला काय पाहिजे हे आम्ही जाणून घेतो। त्यांच्या मनातलं काय कसं आहे, काही काही कस्टमर काही एक्सप्लेन नाही करू शकत, पण त्यांना काय हवं आहे ते त्यांच्या दिमागात असते, पण त्यांना कसं सांगावं, कसं एक्सप्लेन करावं यांना ते समजत नाही। तर आम्ही त्या गोष्टी समजून घेतो आणि त्यामध्ये काय आपला टच टाकून आपला जे आयडियाज आहे, जे जसं आम्ही आर्टिस्ट आहोत आम्हाला थोडंसं आमची थिंकिंग वेगळी चालते, त्यानुसार मग त्यांना ॲड करून त्या गोष्टी आम्ही बनवून देतो त्या प्रकारे। त्यामुळे काय होतं, कस्टमर जे एक्सपेक्ट करते त्याच्यापेक्षा त्याला हमेशा जास्त भेटते।
शशि अपना काम जानते हैं, उनको क्या करना है, कैसे प्रतिमा को अच्छा बनाए, वो जानते हैं कि मंडल वाले शशि से क्या चाहते मोरिया। कैसे तेरे गुण को गाऊं, तुझ बिन अब तो रह नहीं पाऊं। साधा कोणत्या मंडळाने जर म्हटली की आम्हाला कशा काय मंडळाची आपली एक चॉईस असते की आम्हाला अशीच मूर्ती पाहिजे तशीच मूर्ती पाहिजे, त्या मूर्तीला त्या कन्सर्टमध्ये सेट करायला का ना, कधी कधी काय असते मूर्ती एकदम हव्यामध्ये असते, त्याला सपोर्ट कसे द्यायचा, म्हणजे सपोर्ट दिसला पण नाही पाहिजे आणि सपोर्टही देणे गरजेचं आहे, त्यावेळेस आम्हाला थोडं म्हणजे खूप माइंड लावून त्याला चॅलेंज एक्सेप्ट करून हवी, पण आजपर्यंत कधी असा कोणताही कस्टमर असा झाला नाही का तो अनसॅटिस्फाईड झाला आहे कामाने। और इनका प्री प्रोडक्शन का काम पिछले 2 महीने से शुरू हो जाता है, लकड़ी तनीस मिट्टी इन सब से प्रतिमा का ढांचा तैयार किया जाता है। मूर्ति जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग में हमारे को सारे सामान इकट्ठे करने के लिए भी हमारे काफ़ी दिन निकल जाते हैं, जैसे मूर्ति के लिए हम जो मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं हम पीओपी की नहीं बनाते, सब अरेंज करके फिर उससे जिस जो मॉडल हमको बनाना है उसकी डिज़ाइन हम तनीस में बांध के उस हिसाब से उसको हम तैयार करते हैं, फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर मट्टी चढ़ाकर फिर उसको फिनिशिंग दिया जाता है, जैसे मट्टी सूख जाती है फिर उसके ऊपर कोटिंग लगाकर फिनिशिंग करके फिर कलरिंग वगैरह फिर फाइनल टच किया जाता है। जो स्टार्ट से प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा सा ऐसा गाड़ी जैसी स्पीड पकड़ने के लिए आती है, जैसे एंड तक फुल स्पीड आ जाती है फिर आखिर में रुक जाती है, ऐसा प्रोसेस होता है। छोटा सा ये मंडल संभालते हैं यहाँ के आसपास रहने वाले लड़के, अपने काम ऑफिस के रहते हुए बड़े आराम से समय निकाल कर मंडल का सारा काम संभालते हैं। पर इस बार कोरोना की महामारी चलते हुए काफ़ी मंडलों में छोटी प्रतिमा और कम सजावट किया है, पर इस मंडल ने सारे सजावटों को ध्यान में रखते हुए इस बार श्री सिद्धिविनायक के रूप की प्रतिमा बिठाने का निर्णय तय किया है। गणपति 11 साल से बिठा रहे हैं हम, पहले हमारे बड़े भैया लोग बिठाते थे, उसके बाद अभी 6 साल से हम लोग हमारे हाथ में लिए। एरिया में एक ही गणपति है, सभी वार्ड के आजू बाजू वाले आके बच्चों को देख के उनके चेहरे की खुशी देख के दूसरे वार्ड के भी हमारे इसमें आते हैं, हमको बहुत खुशी होती है। वैसे तो कोई मन्नत नहीं थी, बस हम सभी की इच्छा थी कि गणपति स्थापना करें, इसलिए हम सभी ने मिलकर गणपति स्थापना की है। आमचा उद्देश्य एकच आहे का वार्डातील सर्व रहिवासी गणेश चतुर्थी स्थापनेच्या बहाने मंडळात येतात आणि एक दुसऱ्याशी संवाद साधतात, रिलेशन मेंटेन राहतात आणि आम्ही त्या 10 दिवसामध्ये एकमेकांशी वेळ देऊन बोलू शकतो किंवा आपसमध्ये चर्चा करू शकतो आणि त्या गणपतीच्या माध्यमातून आम्ही वार्डातील छोटे छोटे मुलांचे कार्यक्रम घेऊन त्यांचा कॉन्फिडन्स लेवल वाढवतो। आज इस मंडल में पंच आरती होने वाली है, मंडल के सारे लोग आरती के लिए तैयार है और आरती के लिए लोग भी आना शुरू हो चुके हैं। गणपतीच्या आगमनामध्ये ज्या पद्धतीने सर्वजण भक्तिमय तल्लीन होतात
त्याच पद्धतीने एक नवीन ऊर्जा आणि एक नवीन शक्ती आमच्या सोबत आहे याचा भास नेहमी होत असतो. या 10 दिवसात बघितलं गेलं तर इतक्या चांगल्या प्रकारे सर्वजण सर्व परिचित आणि सर्व मित्र बंधू एकमेकांच्या सोबत असतात आणि त्याच पद्धतीनं उत्साह हा खऱ्या अर्थानं एक मोठं एक आणि आगळं वेगळं रूप धारण करतो आणि एक चांगलं वातावरण या शहरामध्ये नेहमी 10 दिवसात दिसतं. सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी सलके बाल मुक्ता फळांची जय देव जय देव. दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव. देवा हो देवा गणेशा नमो धर गणेशा ओम नम गणपते नमः. देवा हो देवा गणेशा नमो धर गणेशा ओम नम गणपते नमः. सुख करता दुख हरता वाटा विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी सलके माल मुक्ता फळांची जय देव जय देव. दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव. देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः. देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः. इस साल कोरोना के चलते विसर्जन को पाबंदी लगाई है. बल्लारपुर के वर्धा नदी पे इस साल कोई विसर्जन नहीं होगा. नदी के आसपास ही आर्टिफिशियल छोटे तालाब बनाए हैं और पुलिस के निगरानी में ये विसर्जन हो रहे हैं. पुलिस ने इस साल नदी का रास्ता भी बंद कर दिया है. आज अनंत चतुर्दशी है. 11 दिन पूरे हो गए हैं. आज से ये त्योहार पूरा हो जाता है. बप्पा के विसर्जन के पहले की आखिरी आरती है. कुछ ही देर में मंडल के लोग अपने बप्पा को विदा कर देंगे. इस बल्लारपुर शहर के लोग अगले साल फिर से बारिश और अपने बप्पा के आने का इंतजार करते हैं. शशि को भी तैयार रहना होगा अगले साल नए प्रतिमा के लिए. और मंडल के सभी लोग अगले साल फिर से अपने बप्पा की सेवा में लग जाएंगे. और इसी तरह विसर्जन के बाद अगले साल बप्पा फिर आएंगे
और गणपति बप्पा का आशीर्वाद सब पे बना रहेगा। ओम साई राम। मैं राहुल पिल्ले। नमस्कार, मैं लड्डू सैनी गरब। नमस्कार, मैं प्रतीक मानस मारे। श्री बाल गणेश मंडल की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।